Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. मैं रामवीर आज को स्वागत करता हूँ इंडिया के number one study learning channel Wi-Fi Study में. और हमने पिछली class में क्या बात की थी भाई, हम वेल्डिंग पर बात कर रहे थे, ठीक है. और वेल्डिंग में आज बहुत इंपॉर्टेंट वेल्डिंग लेने वाले हैं. कौन सी वेल्डिंग लेने वाले हैं आपने देख लिया होगा, TIG वेल्डिंग और MIG वेल्डिंग, है ना. TIG वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट वेल्डिंग है, बहुत शानदार वेल्डिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है इस वाली वेल्डिंग को पढ़ने के लिए. सर आप हमसे रेगुलर की बात कहते हैं और 7 दिनों में 4 दिन पढ़ाते हो. अरे भाई ऐसी बातें मत क्या करो भाई, प्रवीण कुमार जी भाई पढ़ाते हैं, रेगुलर पढ़ा ही रहे हैं ना. आप बेफिक्र रहो, घबराओ मत, है ना, बिल्कुल 1% भी होगी पढ़ाई, रेगुलरली होगी, बेफिक्र रहे हैं ना. तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं ना. आपका सिलेबस अकॉर्डिंग, मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, जो टाइम टेबल हमारा प्री डिसाइड है वही चल रहे हैं, ठीक है. हाँ जी, डिप्लोमा से हूँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच से. भैया इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो तो इलेक्ट्रिकल वाली क्लास आप अटेंड करना, लेकिन इस वाली क्लास के अंदर जो अपने टूल्स पढ़े हैं वो टूल्स आप क्या कर सकते हो, एक बार रिवाइज कर सकते हो. टूल्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. ऑल ITI ट्रेड जो जिसमें लगा हुआ है ना, वो आपको टूल्स जरूर पढ़ के जाना है. वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 100% मिलेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और तुरंत सेकेंडों में जिसके आंसर आते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है उनसे, है ना. और मतलब आपके, मतलब एक तरीके से कहा जाए आराम से आपको क्वालिफाइंग करने में बहुत मदद करेंगे, ठीक है. अच्छा चलिएगा, हम आज स्टार्ट करते हैं. कौन सा क्या स्टार्ट करने वाले हैं भाई, TIG वेल्डिंग. नाम क्या है, TIG वेल्डिंग. और TIG वेल्डिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी हम उसका हम उसकी खोज करते हैं, हम उसको उपयोग में लाते हैं. ध्यान से समझना जरा, TIG वेल्डिंग होती क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ने वाली. देखो होता क्या है कि अगर हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जितने भी जॉब है उनको वेल्डिंग करना चाहते हैं, तो हमें हम गैस वेल्डिंग से वेल्ड कर सकते हैं. हम किस वेल्डिंग से वेल्ड कर सकते हैं, हम गैस वेल्डिंग से कर सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा हम और भी, जैसे हमने एक सेक्शन की बात की थी, एक पर्टिकुलर फिक्स सेक्शन है, उस सेक्शन को हमें क्या करना है, ज्वाइंट करना तुरंत ही. तो उसको ज्वाइंट करने के लिए हम किसकी यूज़ कर सकते हैं, थर्मिस्ट वेल्डिंग का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर बात आती है कि निम्न गलनांक वाले जॉब, मतलब बहुत ही कम जिनका मेल्डिंग पॉइंट है, जैसे कि एल्यूमिनियम 659.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्डिंग पॉइंट है, यानी इतना कम गलनांक वाले जॉब को अगर हमें क्या करना है, वेल्ड करना हो, तो इतने कम गलनांक वाले जॉब को वेल्ड करने के लिए बताओ भाई कौन सी वेल्डिंग करेंगे. तो सीधी सी बात है, माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती है. देखो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जब हमारे पास बहुत ही निम्न गलनांक वाला जॉब रहता है ना, तो उस समय पर होता क्या है कि भाई आपके, एक तो जैसे ही आपने क्या किया, टेम्परेचर दिया, तुरंत वो पिघलना शुरू हो जाता है ना. फिर दो पार्ट्स को आपको उसको जोड़ने में भी दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है. तो कुल मिलाकर कहें कि हम कोई और अदर वेल्डिंग की बात करेंगे जिस पर हम कम गलनांक वाले जॉब पर कर सकें, तो भाई ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर हम टेम्परेचर को भी क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, है ना. टेम्परेचर हमारे हाथ में फुली कंट्रोल हो, है ना. तो कुल मिलाकर के कहा जाए, यहाँ पर जो वेल्डिंग यूज़ में लाई जाएगी वो TIG वेल्डिंग होगी. अब TIG वेल्डिंग में यानी कि आप बात समझ गए होंगे, यहाँ पर टेम्परेचर को फुली कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है. अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक बात आपकी समझ में आ रही है, ठीक है. अब अगला पॉइंट हम समझते हैं, TIG वेल्डिंग में किस गैस का यूज़ करेंगे, ठीक है. वैसे तो हमने कहा जाए कि अभी हमने थर्मिस्ट वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग के बारे में, दो के बारे में हमने पढ़ा है, तो उन दोनों हमने देखा, एक में तो बेरियम परऑक्साइड का यूज़ किया गया, ठीक है.
जिसको रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के थ्रू हमने ही मतलब हीट जनरेट किया था और उसके आगे काम क्रिया की थी, जो आप थर्मिस्ट वेल्डिंग का वीडियो सारा कंप्लीट देख सकते हो ना। इसके अलावा एक हमने गैस वेल्डिंग में देखा था, गैस वेल्डिंग में हमने एसिटिलीन गैस का यूज़ किया था, एसिटिलीन गैस को हमने खुद ने वर्कशॉप में भी तैयार कर सकते हो और इसके अलावा आपके वैसे भी मतलब आपके मार्केट में भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो हम यूज़ में लेने वाले हैं वो यूज़ में लेने वाले इनर्ट गैस, कौन सी गैस लेने वाले हैं, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, जो गैस दूसरों के साथ में आसानी से क्रिया नहीं करती है वो गैस है। कौन सी गैस लेने वाले हैं इसके अंदर, इसमें सबसे पहले नंबर पर हम लेने वाले हैं हाइड्रो, सबसे पहले नंबर पर मुख्य गैस के रूप में लिया जाएगी आर्गन। आर्गन अगर नहीं मिलती है तो हीलियम, हीलियम अगर नहीं मिलती है तो आर्गन प्लस हीलियम का मिश्रण, और अगर ये तीनों ही नहीं मतलब आर्गन और हीलियम का मिश्रण भी नहीं हो पाता अपन से तैयार, तो लास्ट में एक और है आर्गन के साथ साथ आप हाइड्रोजन का भी यूज़ कर सकते हो। मुख्य रूप से कहा जाए मुख्य गैस कौन सी, आर्गन। अब देखो भाई धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझते जाओ, है ना, आराम से आपकी समझ में आ जाएगा एक एक बात को। तो हम बात क्या कर रहे थे, TIG वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। TIG वेल्डिंग, ठीक है, हम बात कर रहे थे TIG वेल्डिंग। TIG में T से मतलब हुआ टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है, और आई से मतलब है हमारा इनर्ट, है ना, आई से मतलब है इनर्ट, ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस। जी से मतलब क्या है हमारा, गैस, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो टंगस्टन इनर्ट गैस ये पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में कि भाई TIG का पूरा नाम क्या है, TIG का पूरा नाम क्या है, ध्यान रखना TIG का पूरा नाम क्या है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, TIG वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। देखो हमने अभी वेल्डिंग पढ़ा नहीं है तो सीधे सीधे हमें क्वेश्चन का एक जवाब देना है। तो देखो भाई अगर हम बात करें तो शब्दों से अर्थ निकाले, भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया, सीधे सीधे शब्दों में पूछा गया कि भाई ये बताओ TIG वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रोड किस धातु का बना रहता है, ठीक है, तो किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है, तो आपको क्या बोला, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड का, किसका यूज, किसका उपयोग हुआ, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड का, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर पूछा जाएगा भाई किस गैस का उपयोग हुआ, तो आपको क्या बोलना है, इनर्ट गैस का होगा। इनर्ट गैस में भी अगर कोई पूछता है तो आपको क्या बोलना है, पहले नंबर पे क्या बोलना है, आर्गन बोलना है, दूसरे नंबर पे, अभी तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस का बता रहा हूँ किस तरीके से आता है अपने पास, है ना, आर्गन बोलना, अगर आर्गन नहीं मिलता है तो हीलियम बोलना है, हीलियम, हीलियम बोलना है, हीलियम नहीं मिलता है तो तीसरे नंबर पे फर्स्ट और सेकंड का क्या हो जाएगा, आपका मिश्रण हो जाएगा, है ना, पहला और दूसरे क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, आर्गन प्लस हीलियम, अगर ये भी नहीं मिलता है तो हमारा चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, आर्गन प्लस हाइड्रोजन, आर्गन प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब समझते हैं हम गैस वेल्डिंग पर चलते हैं, गैस वेल्डिंग में क्या है, तो देखो भाई क्या होगा, TIG वेल्डिंग, मैं यहाँ फिर दोबारा डाल देता हूँ, TIG होगा क्या, सबसे उपयोग क्यों है, उपयोग क्या है इसका, निम्न गलनांक अब या पतली शीट पर वेल्डिंग करने में, ठीक है, अब ध्यान से समझना,
देखो ये कोई जॉब है, ये कोई जॉब है, ये किसका बना हुआ है? एल्यूमिनियम का बना हुआ, ठीक है। और एल्यूमिनियम की पतली शीट है। अच्छा, मोटाई अगर मान लीजिए हम मोटाई की बात करें तो मोटाई कहाँ से कहाँ तक रही? 125 mm से 3 तक। आपको याद होना चाहिए कि जब मैंने गैस वेल्डिंग पढ़ाया था तब आपको बताया था 3 mm से अधिक यानी 12 mm तक बताया था, 3 mm से 12 mm तक की प्लेट को वेल्ड किया जा सकता है गैस वेल्डिंग से। लेकिन अब की बार जो हमारी मोटाई आ रही है 0.125 mm से आ रही है 3 mm तक, बहुत ही कम है। और या तो ये किसका है? एल्यूमिनियम का, या फिर इसकी मोटाई किसकी है? इतनी है। या तो ये एल्यूमिनियम का या फिर इसकी मोटाई इतनी, कोई भी जॉब है, जॉब या तो एल्यूमिनियम का है या फिर इसकी मोटाई, मतलब अगर कॉपर का भी है और मोटाई कम है तो सीधी सी बात है उसका गलनांक क्या होगा? कम होगा। अब देखो मैंने आपको एक बात हमेशा बताई थी, फिलर रोड अगर हमारी कहीं पर भी आएगी ना, फिलर रोड हमारी कहीं पर भी आएगी ना, तो फिलर रोड का जो एंगल होगा ना, मैंने आपको बताया था हमेशा, मैंने पहले ही भी बता दिया आपको, पिछली क्लास में भी बताया था, गैस वेल्डिंग की क्लास में भी बताया था, फिलर रोड हमारे जहाँ पर भी आएगी फिलर रोड का एंगल कितना होगा? हमेशा कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं हम टॉर्च पर आते हैं। अब ये टॉर्च कैसी होगी ध्यान से समझना, यहाँ टॉर्च का ही इम्पोर्टेंट रोल है। जहाँ पर भी आपकी क्या नाम है, जहाँ पर भी आपका निम्न गलनांक वाला जॉब रहता है वहाँ पर टॉर्च का एंगल 60 से 70 डिग्री रखा जाता है, ठीक है। कितना रखा जाएगा? 60 से 70 डिग्री, है ना। और इसमें जो टॉर्च यूज़ में ली जाएगी वो होगी गन टाइप टॉर्च। कैसी यूज़ में ली जाएगी? गन टाइप टॉर्च, ठीक है। और गन टाइप टॉर्च के अंदर से पीछे की साइड से एक पाइप जा रहा होगा, वो पाइप कहाँ जाएगा? आपके एक सिलेंडर के अंदर जाएगा। ये मान लीजिए आपका कोई सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर आपको मैंने बता ही दिया था क्या कौन कौन सी गैस आपके काम में ली जा सकती है ना, या लेनी चाहिए, तो आपको क्लियर हो ही चुका है। अच्छा, इसके साथ साथ आपका एक वायर जाएगा यहाँ पर, इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर एक वायर जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एक वायर जाएगा यहाँ पर। इसमें क्या आएगी? आपके एसी सप्लाई आएगी, एसी सप्लाई, ठीक है, एसी सप्लाई आएगी, ठीक है। और ये जो वायर है वो आपका सीधा कनेक्ट होगा अंदर जाके टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से। किससे होगा? टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से। ये किसका है? टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन का है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये है इलेक्ट्रोड। और ये सप्लाई सीधी सीधी जाके टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगी, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर दो पाइप और आएंगे, और वो दो पाइप कहाँ जाएंगे आपके? ये मान के चलिए आपके यहाँ पर, ठीक है, ये आपके दो पाइप हैं, एक वाटर इन होगा और एक वाटर आउट होगा। पानी का क्या होगा? इन होगा, और ये क्या होगा? आउट। अब सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पर एक ट्रिगर टाइप का कुछ रहेगा, यहाँ पर एक बटन टाइप का कुछ ऐसा रहेगा जिसे आप पुश करोगे, और पुश करने पर आपका आगे का काम, जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी। तो देखो आपके सामने बनाकर मैं तैयार की, मैंने बता दी थी कौन सी है, आर्गन है, आर्गन है मुख्य रूप से, मुख्य है ना, मुख्य रूप से क्या है, मुख्य रूप से क्या है? आर्गन है। अगर आर्गन नहीं मिलती है तो हीलियम, और हीलियम नहीं, अगर दोनों में थोड़ी कमी आ जाती तो आर्गन प्लस क्या हो जाएगा? हीलियम, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो आर्गन प्लस हाइड्रोजन। यहां से क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया अभी,
ये रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। क्या था क्वेश्चन वहाँ पर? क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी तो ये अदर है ना, मुख्य रूप से क्या है? आर्गन है। मुख्य रूप से क्या है? आर्गन है, ध्यान रखना है ना। तो ध्यान सुनो, क्वेश्चन पूछा गया था 2000 के अंदर कि भाई मुझे एक वो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बताओ टीआईजी वेल्डिंग करते समय जॉब के चारों ओर किस गैस का आवरण होना चाहिए। अब हकीकत में क्वेश्चन तो पूछ लिया गया होगा कि भाई किस गैस का आवरण होना चाहिए, लेकिन ना तो आर्गन ऑप्शन में आया, ना हीलियम ऑप्शन में आया। ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में था हाइड्रोजन। ऑप्शन में क्या था? हाइड्रोजन। उस कंडीशन में हमें किसकी तरफ जाना था? हाइड्रोजन की कंडीशन। बच्चे गए भी सही हाइड्रोजन की कंडीशन में, तो अब आप ध्यान रखना हमेशा। अच्छा, इसमें फिलर रॉड आपको अलग से लेनी पड़ेगी, टीआईजी वेल्डिंग के अंदर फिलर रॉड आपको अलग से लेनी पड़ेगी। अब सुनो, ये फिलर रॉड किसकी होगी? अगर हमने जॉब किसका लिया है? एल्यूमिनियम का लिया है, तो हमारी ये जो फिलर रॉड रहेगी ये किसकी रहेगी? एल्यूमिनियम की रहेगी। किसकी रहेगी? एल्यूमिनियम की रहेगी। अगर एल्यूमिनियम के स्थान पर अगर कोई और धातु है, तो जिस धातु को हमने उपयोग में लिया है उसी धातु की ये क्या रहेगी, मतलब आपकी फिलर रॉड यहां यूज में ली जाएगी। ठीक है, फिलर रॉड ये क्या काम करती है? ये फिलअप करने का काम करती है इसी जगह को। अब क्या होगा, जैसे ही हम इस बटन को क्या करेंगे, पुश करेंगे, पुश करते ही क्या होगा, यहां पर एक स्पार्क क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? एक स्पार्क क्रिएट होगा। स्पार्क क्रिएट होते ही यहां से जो गैस निकल रही होगी, वो गैस बर्न होना शुरू हो जाएगी। ये गैस क्या होना शुरू हो जाएगी? बर्न होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब गैस जैसे ही बर्न होना शुरू हो जाएगी, ये जो आपका टंगस्टन का जो आपकी फिलर रॉड है, ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ से पिघल करके नीचे की साइड क्या होने लग जाएगी? गिरने लग जाएगी, रिमूव होने लग जाएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि भाई शीट किसकी? एल्यूमिनियम की। और ध्यान रखना, दुनिया में एल्यूमिनियम पर अगर आपको कोई वेल्डिंग करनी है, तो केवल और केवल जो वेल्डिंग हो सकती है एल्यूमिनियम पर, वो केवल और केवल टीआईजी वेल्डिंग है। इसके अलावा और कोई वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग अगर कोई कहता है भाई गैस वेल्डिंग हो सकती है, आप गैस वेल्डिंग नहीं कर सकते हो, आप उस पर है ना, आप इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नहीं कर, आप डीसी आर्क नहीं कर सकते, आप एसी आर्क नहीं कर सकते, कोई भी वेल्डिंग आप एल्यूमिनियम के ऊपर नहीं कर सकते। एल्यूमिनियम ऑब्लिक एल्यूमिनियम ऑब्लिक मैग्नीशियम के ऊपर अगर कोई आपकी वेल्डिंग हो सकती है, तो केवल और केवल कौन सी हो सकती है? टीआईजी वेल्डिंग। इसके अलावा और कोई वेल्डिंग नहीं हो सकती। और टीआईजी वेल्डिंग में जिस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाएगा, वो किसका यूज किया जाएगा? एसी सप्लाई। पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। कितनी मोटाई होनी चाहिए, मतलब कितनी, इतनी पतली शीट 0.125 mm से 3 mm तक की शीट को किस वेल्डिंग द्वारा वेल्ड किया जा सकता है? तो केवल और केवल कौन सी वेल्डिंग है? टीआईजी वेल्डिंग। यानी 3 के ऊपर चले जाओगे तो गैस वेल्डिंग होने की संभावनाएं हैं। अब इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है? टंगस्टन का। गैस के रूप में मुख्य रूप से आर्गन, इसके अलावा बाकी सारे लिखी हुई हैं। जैसे आप ट्रिगर को पुश करते हो, जैसे ही आप टंगस्टन के इलेक्ट्रोड टच करके यहाँ से हटाओगे, टच करके हटाते ही स्पार्क क्रिएट होगा, स्पार्क से गैस जलना शुरू हो जाएगी, और गैस जलना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद में ये एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा? पॉइंट टू पॉइंट टपकना यहाँ पर, मतलब गिरना शुरू हो जाएगा, फ्यूज़न होना शुरू हो जाएगा ना, किसी भी चीज़ का एकदम पिघल करके मेल्ट होकर के टपकना शुरू हो जाए, ड्रॉप होना शुरू हो जाए, तो वही चीज़ क्या कहलाती है? फ्यूज़न कहलाती है। उसके बाद में क्या होगा, अगर मान लो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें पानी की सप्लाई को क्या कर देना है? चालू कर देना। पानी की सप्लाई को जैसे हम चालू करेंगे, तुरंत ही यहाँ पर इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। इलेक्ट्रोड ठंडा होने के बाद में फिर आप क्या कर सकते हो? वेल्डिंग को हटा सकते हो, मतलब वेल्डिंग इलेक्ट्रोड क्या नाम है आपका, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे आप वेल्डिंग की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप जितना ठंडा करना चाहो उतना ठंडे करना चाहो। अगर आपको यहाँ टेम्परेचर कम करना है, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? गैस के लिए जो आपने यहाँ पर एक तरीके से वाल्व लगाया होगा ना, तो आपको गैस की मात्रा को कम करना पड़ेगा, है ना। वी वोल्टेज को आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान रखना, उल्टा चलता है सिस्टम, है ना। वी का मान क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा ना। वी को हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और हमें यहाँ पर पानी सप्लाई को चालू करना पड़ेगा, ओपन, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा? पानी सप्लाई को ओपन करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और ध्यान रखना, यहाँ पर ये टीआईजी वेल्डिंग से
प्राप्त जॉइंट वायुरोधी रोधी यानी कि एयर प्रूफ तथा जल रोधी होता है, जल रोधी होता है। होता है पहला पॉइंट आप ये याद रखना। दूसरा पॉइंट, निम्न गलनांक, ठीक है, निम्न गलनांक पतली शीट तथा उच्च दाब सहन करने, दाब सहन करने के लिए TIG वेल्डिंग का उपयोग रहता है। होता है। एक और बात ध्यान रखना, पतली ट्यूब बोले तो रेफ्रिजरेटर, के भागों को वेल्ड करने में TIG वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। का उपयोग होता है। समझ गए ना मेरी बात? ध्यान समझना, इन सब बातों पर ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, पूछा जा चुका है। अगर हमें वायुरोधी मतलब एयर प्रूफ जॉइंट तैयार करना है या जल रोधी यानी कि वाटर प्रूफ जॉइंट तैयार करना है तो हमारा कौन सी वेल्डिंग की काम में ली जाएगी? TIG वेल्डिंग। निम्न गलनांक या पतली शीट, पतली शीट मतलब काफ़ी ज़्यादा थिकनेस या उच्च दाब को सहन करने, भाई जहाँ प्रेशर क्या होने वाला वेल्डिंग जॉइंट पर ज़्यादा पड़ने वाला हो, के लिए किस वेल्डिंग का उपयोग होने वाला? TIG वेल्डिंग का उपयोग। पतली ट्यूब रेफ्रिजरेटर के भाग, रेफ्रिजरेटर का भाग समझना, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन या कोई भी मतलब ऐसा इक्विपमेंट जो ठंडा करता है तो ठंडे करने के लिए वहाँ इस वेल्डिंग टेक्निक का यूज किया जाता है, वो कौन सी वेल्डिंग टेक्निक है? TIG वेल्डिंग। समझ गए होंगे मेरी बात? अब इसी के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है MIG वेल्डिंग। कौन सी वेल्डिंग आती है भाई? MIG। TIG वेल्डिंग निम्न गलनांक वाले जो ऊपर होते हैं, है ना। MIG वेल्डिंग जो होगी वो किस पर होगी? वो उच्च गलनांक वाले जो ऊपर होगी। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं MIG वेल्डिंग। MIG बोले, M से मतलब होता है मेटल, M से मतलब क्या आएगा? मेटल, है ना। आई से मतलब आगा इनर्ट, इनर्ट, है ना, इनर्ट। और फिर जी से मतलब क्या हो जाए? गैस, गैस। अच्छा ध्यान समझना, मैंने आपको बताया था सबसे मजबूत जॉइंट जो तैयार होता है वो होता है थर्मिस्ट वेल्डिंग से। बिल्कुल बात सही थी, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे उच्च गलनांक के जो ऊपर या फिर एक मजबूत जॉइंट या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब देखो सुनो मेरी बात, जहाँ फ्लप करने वाली जगह होगी वहाँ तो आप क्या करोगे? जहाँ गहराई चाहिए, डेप्थ में वेल्डिंग करनी है, अंदर गहराई में वेल्डिंग करनी है, वहाँ तो आप क्या लेकर के आ जाओगे? थर्मिस्ट वेल्डिंग लेकर के आ जाओगे। फ्यूजन प्रक्रिया से वहाँ सीधा सीधा मटेरियल क्या कर दोगे? भर दोगे। लेकिन जहाँ पर हमें जॉइंट पक्का चाहिए, दो शाफ्टों को जोड़ना है और जहाँ पर एरिया बहुत ज़्यादा है उस जगह पर और मतलब बहुत बारीकी से जॉब को वेल्ड करना है
तो सीधी सी बात है, देखो थर्मिस्ट वेल्डिंग के अंदर मटेरियल क्या होता है, इधर उधर फैल जाता है, तो फैलने के बाद में मामला वो बारीक जॉब वो वेल्ड करने के लिए तो हार्ड जॉब वो वेल्ड करने, रेलवे ट्रैक एक तरीके से कहा जाए उसे कटिंग वटिंग करके अपन सही करते हैं। लेकिन अगर ये शाफ्ट होती तो, और शाफ्ट भी ऐसी प्रोपेलर शाफ्ट होती, प्रोपेलर शाफ्ट पर गेयर को जोड़ा जाता, मान लो प्रोपेलर शाफ्ट जानते हैं इंजन से डायरेक्ट क्या नाम है आपके पावर को सीधे व्हील तक पहुंचाने का, ट्रक के नीचे की साइड तिरछी शाफ्ट आपने देखी, उसके ऊपर जो जो आपका क्या जोड़ा जाएगा, गियर जो जोड़ा जाएगा ना, कपलिंग गियर जो जोड़ा जाएगा, तो वो गियर जो होगा वो उस गियर के ऊपर आपकी जो वेल्डिंग की जाएगी ना, वो वेल्डिंग किसकी, किस धातु, मतलब कौन सी वेल्डिंग की जाएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ठीक है, तो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत वेल्डिंग जॉइंट प्राप्त करने के लिए हमारे को किस वेल्डिंग का यूज़ करना पड़ता है, MIG वेल्डिंग, उच्च से उच्च गलनांक। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना हमेशा, ये कहाँ पर आएगी, उच्च से उच्च, उच्च से उच्च गलनांक, गलनांक के जॉबों पर, ठीक है, और दूसरे नंबर पर उच्च से उच्च दाब को सहन करने योग्य योग्य, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप याद रखना वही वायुरोधी है ऑब्लिक क्या है, जल रोधी है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज बोलना भूल गया, अगर आपसे कोई कहता है कि एयरक्राफ्ट पर कौन सी वेल्डिंग होती है ना, अगर आप पर आपसे कोई कहता है एयरक्राफ्ट पर कौन सी वेल्डिंग होती है, तो आपको बोलना है एयर, ये क्योंकि क्वेश्चन आते रहते हुए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, एयरक्राफ्ट पर कौन सी वेल्डिंग होती है, तो आपको क्या बोलना है, TIG वेल्डिंग। अगर मान लो यही क्वेश्चन आपके कहाँ चला जाता है, यही क्वेश्चन आपके यहाँ आ जाता है, किस पर आ जाता है, वायुयान पर कौन सी वेल्डिंग होगी, तो ध्यान से समझना मेरी बात को, एयरक्राफ्ट और वायुयान में क्या अंतर है, तो जरा समझ लो पहले, तो यही हमारे समझ में आना चाहिए, यही हमारे को माइंड में नहीं होता है। हाँ, सेवन ठीक है, घबराओ मत, है ना। अच्छा, तो क्या बोल रहा था, एयरक्राफ्ट में क्या होता है, टू सीटर रहता है, टू सीटर मतलब दो व्यक्ति लेकर के एक निश्चित ऊंचाई तक जाते हैं जहाँ तक ऑक्सीजन रहता है, उसके ऊपर नहीं जाते हैं। वायुयान क्या रहता है, वो जाता ही कहाँ है, समताप मंडल में, जहाँ ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट एक निश्चित ऊंचाई पर जाएगा, वजन में हल्का होता है, दो या तीन व्यक्ति को ही, दो ही व्यक्तियों को ले जाने के काम आता है। वायुयान 500 व्यक्ति अधिकतम, 200-250 व्यक्ति नॉर्मल, या 100 व्यक्ति न्यूनतम तक ले जाने वाला होता है, ठीक है। तो वायुयान कहाँ चलता है, समताप मंडल के अंदर चलता है। वायुयान बनता है एल्यूमिनियम एलॉय का, किसका बनता है, एल्यूमिनियम एलॉय का, और एयरक्राफ्ट बनता है प्योर एल्यूमिनियम का, प्योर एल्यूमिनियम पे वेल्डिंग होती है TIG, और वायुयान यानी कि प्लेन पर वेल्डिंग कौन सी होगी, MIG वेल्डिंग। ध्यान समझो, वायुरोधी और जलरोधी, ध्यान समझना है, हमारा जो वायुयान रहता है जमीन पर, अंदर का वायुदाब बाहर का वायुदाब बराबर रहता है, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के बाद में बाहर वायुदाब हो जाता है कम, आंतरिक वायुदाब हमें बनाना पड़ता है कृत्रिम रूप से, और जब हम कृत्रिम रूप से बनाते तो है बॉडी के प्रत्येक पार्ट पर, प्रत्येक मतलब कहा जाए आपके अंग पर, उतना ही प्रेशर डेवलप होता है जितना कि हमारे हम जब जमीन पर होते हैं उस समय पर होता है। तो सीधी सी बात है, अंदर की अगर हम वायु एरोप्लेन की बात करें, जब वो ऊपर उड़ रहा है, अपनी फ्लाइट में है, फ्लाइट मोड पर है, तो सीधी सी बात है अंदर का जो एयर प्रेशर है वो हैवी है, बाहर का एयर प्रेशर कम है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर मान लो वेल्डिंग जॉइंट थोड़ा सा भी कमज़ोर हुआ तो अंदर से हवा कहाँ निकलना शुरू हो जाएगी, बाहर। मूवीज़ वगैरह में आपने ऐसा कुछ देखा भी होगा, तो ध्यान से सुनो, वो वेल्डिंग जॉइंट कमज़ोर होना चाहिए कि मजबूत होना चाहिए, बताओ भाई दिमाग से थोड़ा सा, तो ध्यान से समझना, वो वेल्डिंग जॉइंट सबसे ज़्यादा हमारा मजबूत होना चाहिए, है ना, ऐसा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, उसे मजबूत बनाने के लिए हम कौन सी वेल्डिंग लेने वाले, MIG वेल्डिंग, ठीक है। अच्छा, MIG वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। अच्छा, दिखने में कुछ ऐसी ही होगी जैसे कि हमने इसको देखा था, इसी को मैं एक काम करता हूँ, कॉपी करने की कोशिश करूँ क्या,
चलो ठीक है, नहीं अलग ही हो पाएगा ना, तो ध्यान समझते हैं जरा, हम एक और बार बना लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वायुयान पर वेल्डिंग होगी सबसे अच्छा, रेलवे अपन जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में बात कर ले थोड़ा सा। रेलवे एयर ब्रेक सिस्टम, रेलवे एयर ब्रेक सिस्टम में सभी पार्ट को, एयर ब्रेकिंग सिस्टम में सभी पार्ट्स को आपस में जोड़ने से प्रेशर गेज भी आ जाता है ना, प्रेशर उच्च से उच्च दाब है ना, प्रेशर गेज भी आ जाता है आपका, एयर सिलेंडर भी आ जाता है, फिर मैकेनिज्म पूरी आती है कंप्लीट, पिस्टन वगैरह आते हैं और भी कई चीज़ें आती, तो उसमें प्रत्येक पार्ट को जॉइंट करने में जिस वेल्डिंग का यूज़ होता है वो भी कौन सी वेल्डिंग है, MIG वेल्डिंग। तो आप समझ गए होंगे कितना इम्पोर्टेंट वेल्डिंग हम पढ़ने वाले हैं अब। हाँ गुड मॉर्निंग सभी को, है ना, ठीक है, बहुत अच्छे, आप लोग क्या क्या कहते रहते हैं पता है, बहुत सारी बातें कहते रहते हैं ना, चलो ठीक है। अब इधर ध्यान दो, अपन तो अपन किस पर आते हैं, अपन तो अपना काम करते हैं, देखो क्या है अपना, देखो सबसे पहले नंबर पर ये जो है ना, ये उच्च गलनांक की भी हो सकती है, उच्च गलनांक का मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ रहे हो आप लोग, समझ जाते तो बात ही दूसरी थी ना। उच्च गलनांक से मेरा मतलब है यहाँ पर कि ये टंगस्टन की भी हो सकती है, किसकी हो सकती है, टंगस्टन की भी हो सकती है, ध्यान से समझना, टंगस्टन की जब ये क्या नाम है आपके वेल्डिंग जो है टंगस्टन की हो, मैंने आपको एक और बात बताई थी, जितना हम वेल्डिंग में ताप क्रिएट करते, जैसे मान लो हमने 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्रिएट किया, जैसे हमने 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्रिएट किया तो जिसका इसका जस्ट आधा ही टेम्परेचर हमारे काम में आता, सारा टेम्परेचर काम में नहीं आता, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा मान लो ये जॉब किसका है, मान लो ये दुनिया की सबसे उच्च गलनांक वाली धातु यानी टंगस्टन का है, भाई हम कोई अधिक से उच्च गलनांक वाले जॉब बोल सकते हैं ना, टंगस्टन का ही है, अगर मान लो हमने जॉब ही टंगस्टन, जरूरी नहीं हम टंगस्टन का ही लेंगे, हम स्टेनलेस स्टील भी ले सकते हैं और भी अदर कुछ ले सकते हैं, लेकिन हमने मान लो टंगस्टन का ले लिया, तो टंगस्टन का गलनांक ही लगभग 3450 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं 3450 ही पढ़ाता हूँ आपको, है ना, लगभग इतना होता है ना, जब इतना गलनांक होता है तो सीधी सी बात है हमें डेवलप कितना करना पड़ेगा टेम्परेचर, 7000 डिग्री सेंटीग्रेड डेवलप करना पड़ जाएगा टेम्परेचर, और 7000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डेवलप करने के बाद में भाई 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तो सूरज की ऊपरी सतह का टेम्परेचर है, तो कुल मिलाकर के कहा जाए अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर इतना डेवलप करने की कोशिश करूँ तो होना संभव नहीं है, हम तो कितना अधिकतम कर सकते हैं 5000 समथिंग, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 5000 भी, है ना, तो कुल मिलाकर के अब हमें अधिक टेम्परेचर डेवलप करना है, हम कौन सी वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं MIG वेल्डिंग, ठीक है, MIG वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब ध्यान से समझना भाई होगा क्या, किस तरीके से की जाएगी, तो सबसे पहले तो वेल्डिंग टॉर्च आएगी, है ना, और वेल्डिंग टॉर्च आएगी तो सीधी सी बात है वेल्डिंग टॉर्च आ गई हमारी, है ना, और वेल्डिंग टॉर्च में आपका इसमें वेल्डिंग जो टॉर्च रहेगी वो इस तरीके की रहेगी, ठीक है, अच्छा देखते जाओ आप तो बस, ठीक है, ज़्यादा आपसे कुछ है कुछ बहुत तगड़ा कुछ नहीं पूछने वाला, सिर्फ आपसे नॉर्मल चीज़ें, अगर आपने थोड़ा बहुत भी वेल्डिंग को पढ़ा हुआ है ना तो आपका केवल नॉलेज वो चेक करने वाला है ना, ज़्यादा नहीं दिमाग में मतलब लोड नहीं डालना है इतना, है ना, वही आपका ट्रिगर मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप थोड़ा सा पॉइंट हल्का सा याद रखना, यहाँ पर एक वायर जाएगा और जो वायर है ये इधर से बाहर निकल रहा होगा और ये वायर यहाँ पर जा करके एक आपका कॉइल बनाएगा, एक कॉइल का निर्माण कर देगा, ठीक है, एक कॉइल होगी जो यहाँ पर इस तरीके से ऑपरेट होगी। अच्छा यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना, इसमें जो सप्लाई होगी वो होगी DC सप्लाई, कौन सी होगी, DC सप्लाई होगी, ठीक है, अच्छा, और एक और पॉइंट है आपका, अब हम गैस का तो देख लें, गैस का जुगाड़ वही वाला रहेगा पुराना वाला, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वही पुराना वाला सारा सिस्टम, आर्गन ले आओ, क्या क्या लेकर के आ जाओ, मुख्य रूप से क्या आती है, आर्गन लेकर के आ जाओ, अरे आर्गन नहीं मिलता है तो दूसरे नंबर पे आप क्या लेकर के आ जाओ, हीलियम ले आओ, हीलियम भी नहीं मिल रहा है तो आर्गन और हीलियम,
है ना, फोर्थ नंबर पे आर्गन और हाइड्रोजन, मैंने दो बार लिख दिया अब इसको, अब आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो फिर देखना आप ना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, है ना। अब इधर ध्यान देंगे, अगला पॉइंट भाई, यहाँ पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हमें फिलर रोड की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो रोड है, ये रोड खुद अपने आप को नष्ट करेगी ना, ये खुद रॉड अपने आप को क्या करेगी, नष्ट करेगी। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना आप हल्का सा, बाहर से यहाँ से आपका O2 भी आएगा, किसी भी चीज़ को जलने के लिए O2 की ज़रूरत होती है, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों गैसों का क्या हो जाएगा, मिश्रण बन के कि यहाँ क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जैसे ही आप टच करके क्या करोगे, हटाओगे, ध्यान से सुनना, ये वाली जो लीड जो चल रही है, ये किसकी लीड है, ये आप देखो, सुनो मेरी बात, ये है आपका इलेक्ट्रोड, ये क्या है आपका, ये है आपका इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड उसी धातु का होगा जॉब के समान अथवा जॉब के गलनांक के समान, जॉब के समान से मतलब, अगर जॉब टंगस्टन का तो ये भी किसका होगा, टंगस्टन का होगा। अगर जॉब टंगस्टन का हमें ये वायर नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रोड हमें नहीं मिल रहा है, तो इलेक्ट्रोड के रूप में हम किसका यूज करेंगे, हम यूज में ले लेंगे, जैसे मान लो टंगस्टन के आसपास जिस भी धातु का गलनांक पड़ता है, जैसे मान लीजिए हम कॉपर पर वेल्ड कर रहे हैं ना, या गोल्ड पर वेल्ड कर रहे हैं, अब गोल्ड का तो सीधी सी बात है वायर मिलना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कॉपर का लगभग समान गलनांक वाले का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमें वही चीज़ चाहिए जो क्या नाम है आपके जॉब की जो धातु, नहीं ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा 19-20 ले सकते हो। जैसे मैंने अभी दो का एग्जांपल दिया, कॉपर का और गोल्ड का, दोनों का आप गलनांक अगर आप देखें तो कॉपर का कितना होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, और गोल्ड का कितना हो जाता होता है 1063 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो कुल मिलाकर के आपको हमेशा याद रखना है कि लगभग बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मोटाई आप सेम रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो हमने TIG के अंदर पढ़ा वैसा का वैसे ही हमें यहाँ देखना पड़ेगा। अब होता क्या है, हकीकत क्या होती है, जे अब हमें यहाँ करना पड़ेगा वोल्टेज को अगर हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, गैस को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, गैस को हम बढ़ाएंगे, वोल्टेज को हम करेंगे कम, तो और सीधी सी बात है जब गैस बढ़ेगी तो हैवी प्रेशर से आएगी, हैवी प्रेशर से ही, जितने हैवी प्रेशर से गैस आएगी उतनी हैवी प्रेशर से बाहर से ऑक्सीजन भी आएगी, और ऑक्सीजन के साथ में हमने DC सप्लाई के वोल्टेज को क्या कर दिया, कम, और वोल्टेज को कम करने के बाद में यहाँ पर R की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, ध्यान रखना है ना, उल्टा चलता है हमेशा, है ना। तो कुल मिलाकर के कहा जाए रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद में जब यहाँ पर ये वायर है, देखो इस वेल्डिंग जॉइंट का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अभी आप लाख को आप कितना भी कोशिश करो कि ये वेल्डिंग जॉइंट क्या हो जाए, पिघलने लग जाए, तो नहीं, ये नहीं पिघलेगा। पिघलेगा क्या, पिघलेगा आपका क्या, इलेक्ट्रोड पिघलेगा, इलेक्ट्रोड क्योंकि पतला होता है, किसी भी चीज़ महीन चीज़ बारीक चीज़ को पिघलाना क्या होता है, आसान होता है, तो इलेक्ट्रोड सबसे पहले पिघलेगा, और पिघल करके क्या हो जाएगा, फ्यूज़ होकर के नीचे की साइड गिरेगा, इलेक्ट्रोड बार बार फ्यूज़ होकर के नीचे की साइड गिरेगा। अब ध्यान से समझो मेरी बात, जब इलेक्ट्रोड बार बार, और सप्लाई आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, सप्लाई आ रही है, तो देखो यहाँ पर आर्क तो क्रिएट हो ही रही है, आर्क तो चल ही रही है रेगुलरली, ठीक है, और ये फ्यूज़ होकर के जब ये बार बार यहाँ नीचे की साइड गिरेगा, जब ये बार बार नीचे की साइड यहाँ गिरेगा, तो ध्यान से समझना, इसका गलनांक जो टपक के गिर रहा है, जो फ्यूज़ होकर ये गिर रहा है, उसका गलनांक और जॉब का गलनांक लगभग सेम है, तो ये क्या करेगा, इसके बाहरी सतह पर जो भी मेटल लगा हुआ, उस मेटल को क्या करेगा, पिघला लेगा, है ना कि नहीं, मेल्टिंग फॉर्म में लेकर गया, मतलब जॉब को भी जो मटेरियल पिघल करके गिरा, वो जॉब के कुछ भाग को मेल्टिंग फॉर्म में लेकर के आएगा, और मेल्टिंग फॉर्म में लाने के बाद में जैसे जैसे ये गिरता जाएगा, अपने आसपास के जॉब को क्या करता जाएगा, मेल्टिंग फॉर्म में लाता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये ऊपर वाले पूरे हिस्से को क्या कर देगा, वेल्ड कर देगा। तो कुल मिलाकर के कहा जाए, इस तरीके से हम उच्च से उच्च गलनांक वाले जॉब को भी क्या कर सकते हैं,
वेल्ड कर सकते हैं। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना यहाँ तक भाई? सभी को समझ में तो आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो आप, है ना? तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा सारा सारा जॉब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वेल्ड हो जाएगा। तो उच्च से उच्च गलनांक वाले जॉब को किससे वेल्ड किया जा सकता है? एसी वेल्डिंग से। अच्छा, एक और वेल्डिंग होती है, एक वेल्डिंग तकनीक होती है, वेल्डिंग नहीं होती, वेल्डिंग तकनीक होती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है हाइपरबॉलिक वेल्डिंग। हाइपरबॉलिक वेल्डिंग है ना, मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ ना, अलग से थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको। ये आपके एम आई जी के बारे में मैंने बताया, एक वेल्डिंग होती है हाइपरबॉलिक वेल्डिंग। अब ध्यान सुनो, कई बच्चे जानते होंगे हाइपरबॉलिक वेल्डिंग किसे कहा जाता है, तो ध्यान से समझना। पानी के नीचे जो वेल्डिंग होती है, पानी के नीचे जो वेल्डिंग होती है वो हाइपरबॉलिक वेल्डिंग कहलाती है। लेकिन हकीकत बात तो यह है, हाइपरबॉलिक वेल्डिंग हम वर्बली तो बोल देते हैं हाइपरबॉलिक, लेकिन ये वेल्डिंग नहीं है, वेल्डिंग टेक्निक है। और इस वेल्डिंग टेक्निक के अंदर जिस जिस वेल्डिंग का यूज़ होता है ना, वो आपको मैं बता देता हूँ, है ना। वो पहले नंबर पर जो आपकी वेल्डिंग आती है, वो होती है गैस वेल्डिंग, ठीक है। अब ये तो ओल्ड है, ये कौन सी वेल्डिंग है, ये ओल्ड है, ये पुराने टाइम में की जाती थी, ठीक है। अब क्या आ रहा है, अब आ रही है MIG और TIG। अब हमारे पास दो वेल्डिंग आ गई है ना, TIG। कोई नहीं चाहता कि हम भारी भरकम चीजों को ले जाकर के हम क्या कर दें, ठीक है। अगर कोई बोलता है आधुनिक वेल्डिंग किसे कहा जाता है, MIG और TIG को हम क्या कहते हैं, आधुनिक वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। ये दोनों कैसी वेल्डिंग है, आधुनिक वेल्डिंग है, ठीक है। समझ गए होंगे ना आप मेरी बात को, क्लियर। अब ध्यान सुनो, हाइपरबॉलिक वेल्डिंग कैसे होती है, जैसे मान लो कोई शिप है, पानी का जहाज है, उसमें मान लीजिए कहीं क्रैकनेस आ जाती है। वैसे तो क्रैकनेस को अलग करने के और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन आजकल जो टेक्निक काम में ली जा रही है उसको जरा हम समझते हैं। जैसे कोई शिप है, समझ लो यार तुम तो, ये लो शिप बना दिया ना, ये शिप जैसा बन गया बहुत सारा, है ना। तो ध्यान समझो, वो कोई शिप है, छोटे शिप की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े शिप की बात कर रहा हूँ, और वो शिप अपने यात्रा पर चल रहा है ना कि नहीं, टाइटेनिक टाइप, है ना। अब देखो, अब मालूम चला रास्ते में यहाँ पर क्या आ गई, क्रैकनेस आ गई ना। अब क्रैकनेस आ गई तो उस क्रैकनेस को हमें क्या करना है, ठीक करना है। तो हम क्या करें, शिप को रोक दें या शिप को बाहर लेकर के आएँ, समुद्री सतह पर लेकर के तब वेल्डिंग करें, तो ऐसा तो संभव है नहीं इतने बड़े शिप को लेकर के। तो उस समय पर हमें करना क्या पड़ता है कि हमारे पास एक बैलून टाइप का कुछ सिस्टम रहता है, उस बैलून टाइप की रिंग को हम यहाँ लगा देते हैं, और रिंग को लगाने के बाद में वो बैलून टाइप का इस तरीके से थोड़ा सा क्या हो जाता है, फूल जाता है। मैं थोड़ा सा और डिटेल के साथ आपको हल्का सा बताता हूँ। जैसे मान लो ये टेपर है, इस पर आपने क्या कर दिया, इस पर इस रिंग नुमा लगा दिया। रिंग नुमा लगाने के बाद में इसमें बाहर से हैवी प्रेशर से क्या करते हैं, बाहर की तरफ से हम हैवी प्रेशर से हवा को भरते हैं। हवा को भरने से ये वाला एरिया क्या हो जाता है, इस तरीके से फूल जाता है। तो यानी देखो, रिंग तो अब देखना, मैं इसको सामने से फ्रंट से दिखाता हूँ। क्रैकनेस कहाँ आई थी भाई, ये सतह थी, और सतह पर ये क्या थी, क्रैकनेस थी, और इस पर हमने क्या कर दिया, बैलून लगा दिया, है ना। बैलून इस तरीके से फूला हुआ है, इसके अंदर ही सारे इक्विपमेंट, टीआईजी का इक्विपमेंट, जो भी टॉर्च वगैरह है, वो टॉर्च वगैरह आपके इसके अंदर आ सकती है ना, ठीक है। और टॉर्च वगैरह को आप यहाँ यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। और बाकी जो सारा सिस्टम क्या होता है, बाहर की तरफ ही होता है। जितना भी आपको इलेक्ट्रिक, मतलब मैंने आपको बताया ना, डीसी सप्लाई होगी या एसी सप्लाई होगी, जो भी चीज़ होगी सब बाहर होगी, और बाहर से आप क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, आसानी से क्या कर सकते हो, वेल्ड कर सकते हो। वेल्ड करने के बाद में अंदर की साइड क्या आ गया, पूरा वेल्ड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरा उद्देश्य यहाँ ये नहीं है कि आपको बहुत सारी हाइपर वेल्डिंग के बारे में मैं आपको बात बताऊँ। हाइपर वेल्डिंग में, सिर्फ हाइपरबॉलिक वेल्डिंग में आप हमेशा याद रखना, ये पानी के नीचे की जाती है। कहाँ की जाती है, पानी की सतह के नीचे। पानी की
सतह के नीचे, पानी की सतह के नीचे कौन सी वेल्डिंग की जाती है? हाइपरबोलिक। और हाइपरबोलिक वेल्डिंग के अंदर कौन सी वेल्डिंग की जाती है? टीआईजी और एमआईजी, आधुनिक वेल्डिंग के रूप में ना। और बाकी पुरानी वेल्डिंग कौन सी थी? यहाँ पर गैस वेल्डिंग उपयोग में ली जाती थी। अब ध्यान सुनो, थर्मल पावर स्टेशन का नाम आपने सुना होगा, थर्मल है ना, थर्मल, थर्मल, थर्मल के अंदर आप जब भी जाओगे तो थर्मल में क्या होता है, हैवी प्रेशर से क्या किया जाता है, जो स्लैग होता है मतलब राख जो होती है ना, वो राख को क्या किया जाता है, आपका बाहर फेंका जाता है, बहुत हैवी प्रेशर से फेंका जाता है। अब क्या होता है, थर्मल पावर स्टेशन काफ़ी लंबे समय तक काम करता है तो उसके जॉइंट में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दरार आ जाती है, तो उस समय फव्वारा, किसका, राख का, गर्म गर्म राख का फव्वारा निकल रहा होता था, उस समय पर आपको प्लांट को भी चालू रखना रहता है और उस जो क्रैकनेस है उसको भी ठीक करना रहता है। तो क्रैकनेस को तुरंत के तुरंत ठीक करना है तो आपको कौन सी वेल्डिंग यूज़ में लेनी पड़ेगी, फिर आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, आप कौन सी वेल्डिंग लेकर के आओ, एमआईजी वेल्डिंग। भाई एमआईजी वेल्डिंग में क्या होता है, जैसे आप वेल्डिंग करना, गन टाइप टॉर्च का यूज़ होता है, पूरा इंसान व्यक्ति जो होता है कवर्ड कर लेता है अपने आप को, और जहाँ से वो राख वगैरह निकल रही थी वहाँ पर ले जा करके, जैसे ही आपके टॉर्च को वहाँ लगाएगा, टॉर्च को लगाते ही, जैसे टॉर्च को लगाएगा, टॉर्च को लगाते ही मटेरियल पिघलेगा, क्योंकि मटेरियल क्या रहेगा, उच्च गलनांक वाला रहेगा, तो जैसे ही गिरेगा तो हल्का सा ठंडा मिलते ही वहाँ पर क्या जमना शुरू हो जाएगा, और इधर तो एक तरफ राख निकल रही है, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, वेल्ड कर रहे हो, वेल्ड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, थोड़ी देर अपने आप ही क्या हो जाएगी, वेल्ड हो जाएगी, आपको प्लांट को बंद भी नहीं करना पड़ा और आपका काम भी हो गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, ये वाली वेल्डिंग हैवी प्रेशर जहाँ है या फिर जो पानी के नीचे है, ऐसी जगह पर की जाएगी। अब मैंने आपको एक रेलवे का एग्जाम्पल बता ही दिया, रेलवे की एयर ब्रेक सिस्टम में किस वेल्डिंग का यूज़ होता है, तो आप क्या बोलना है, एम आई जी। अच्छा, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, जितने भी हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम यानी जितनी भी हमारी फोर व्हीलर वगैरह आ रही हैं उन सब के अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम है, उन सब ब्रेकिंग सिस्टम में भी किसका यूज़ होगा, आपका एम आई जी का। अच्छा, बड़े बड़े जो हमारे शीत गृह हैं, कोल्ड स्टोर हैं, उनके अंदर भी सारा का सारा मैकेनिज्म को या जितनी भी चीज़ है उसको जोड़ा जाएगा, वो किससे जोड़ा जाएगा, एम आई जी से जोड़ा जाएगा। तो आज हमारी वेल्डिंग टी आई जी और एम आई जी के बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ा है ना। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे की साइड लिख देना है ना, और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम क्वेश्चंस लेंगे, धीरे धीरे लेंगे। अच्छा, ये जो मैं फिटर ट्रेड में जो चल रहा था ना, फिटर ट्रेड में ये वेल्डिंग चल रही है ना, फिटर में भी आती है वेल्डिंग, वेल्डिंग के साथ साथ जो वेल्डर की ट्रेड है के जो स्टूडेंट है वो अब जुड़ जाना है ना, गलती मत करना, ये सारी सारी वेल्डिंग की ट्रेडें आपको खुद को पढ़नी है, ये आपके सबके सिलेबस में आता है, वेल्डर के में तो आता ही आता है, लेकिन वेल्डिंग ट्रेड जो स्पेशली एक साल की होती है ना, एक साल वाली जो ट्रेड है उसमें भी आता है, ठीक है। तो वेल्डर ट्रेड वाले अपने अलग हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो, और फिटर वाले जो फिटर के अकॉर्डिंग जो जो आपका फिटर में तो लिमिट के साथ में है ना, मैंने लिमिट थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, आगे बढ़ाने का मतलब जो आपके वेल्डर ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद करते हैं, आप अपना पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात हो तो मेरे को बता देना है ना, और समझ में आ गया है कोई परेशानी वाली बात, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना से शेयर करो है ना, जितने स्टूडेंट हो उतने कम से कम लाइक का बटन दबा दो है ना। आज के लिए धन्यवाद, अगली कल क्लास में फिर से मिलेंगे।